दोस्तों नमस्कार। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है इम्फाइसिमा। इसमें फेफड़ों या तंतुओं में हवा भर जाने के रोग को ही इम्फाइसिमा कहते हैं। विभिन्न औषधियों द्वारा उपचार इसका होता है होम्योपैथी में, लेकिन बहुत कम ही लोग इम्फाइसिमा का नाम सुनते ही, एक्सरे करवाते ही, जब उनको डॉक्टर बताते हैं कि आपके तंतुओं में हवा का भर गया है, तो उसमें तुरंत वो दूसरे पैथी में ट्रीटमेंट लेने के लिए चले जाते हैं। आप आइए हमारे साथ और हमारे भी पैथी को देखिए। आप आज हिंदुस्तान में लगभग बहुत ज़्यादा लोग होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी के बारे में गलत धारणा या गलत विचार रखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इम्फाइसिमा में क्या करना चाहिए। इम्फाइसिमा में पहली जो औषधि है वो है एपिकाक। एपिकाक औषधि रोगी के सांस की नली और भोजन पचाने की नली पर बहुत अच्छा असर कर डालती है। रोगी के फेफड़ों में इतना ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है कि उसके कारण उसको सांस लेने में काफ़ी हद तक परेशानी होती है। बलगम की सांस की नली में रुकावट आ जाने के कारण रोगी को दमा का दौरा भी पड़ने लगता है और रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे उसका हुपिंग कफ का दौरा पड़ता है। इस तरह के लक्षणों में एपिकाक औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी देना बहुत ही उपयोगी रहता है। अगली जो दवा है वो हमारी है एस्पिडोस्पर्मा या लोबेलिया इन्फ्लेटा। लोबेलिया या एस्पिडोस्पर्मा औषधि सांस की नलियों को उत्तेजित करके खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है और कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देती है। इससे रोगी के फेफड़ों में हवा भरती नहीं है और रोगी को परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस तरह के लक्षणों में लोबेलिया औषधि भी बहुत लाभदायक है, लेकिन सर्वप्रथम आप बेसिलिनियम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंसी में 1 mg या 10 mg की पोटेंसी में 20 या 25 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य लेते रहें। आशा है ये छोटा सा वीडियो जो कि बहुत ही जरूरी है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। अपने प्रियजनों के साथ भी इसे साझा करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।